नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंदर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मोरफो डिवाइस के बारे में। यदि आप भी मोरफो डिवाइस यूज करते हो और उसको यूज करने में आपको कोई समस्या आती है या कोई एरर कोड दिखाता है, सर्वर कुछ भी दिखाता है दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि एरर कोड आने के क्या कारण हैं जो कि आप अपनी मशीन को यूज नहीं कर पा रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी न्यू हो और आपने हमारे टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एरर आने के कारण दोस्तों कई कारण होते हैं एरर आने के। जैसे कि एक है सर्वर एरर, जिस समय आप यूज कर रहे हो और यूज करते समय दोस्तों कोई एरर दिखा दे, जैसे 999 होता है एक एरर और एक होता है 740। तो दोस्तों उसके आरण के कारण यही हैं कि जिस समय आप उसको यूज कर रहे हो उस समय पर सर्वर का बिजी हो जाना। जैसे कि मोरफो डिवाइस में कुछ नया अपडेट आ रहा है और आप उस समय पर उसको यूज कर रहे, तो दोस्तों ये भी एक कारण होता है सर्वर एरर के कारण, जो है कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों तो वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाता है और आप अपनी मोरफो डिवाइस को पहले की तरह यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक तो ये हो गया। इससे अगला आता है दोस्तों पेमेंट एरर। जिस समय आपने अपना मोरफो डिवाइस किसी डीलर से ख़रीदा होगा, तो दोस्तों वो उसमें 1 साल का पैक डाल के आपको सेल कर देते हैं, जिससे 1 साल होने के बाद दोस्तों वो काम करना बंद कर देती है, जिससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप उसका पता कैसे करोगे। आपको गूगल पे सर्च करना होगा मोरफो डिवाइस हेल्पलाइन नंबर, तो दोस्तों वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आपको वहाँ पर उनसे बात करनी होगी और आपको आपकी डिवाइस पे लिखा होगा दोस्तों S-N, यानी सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको वहाँ पे बताना है। तो दोस्तों वो आपको बता देंगे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कार्ड के जरिए किस तरह कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इससे अगला जो एरर आने का कारण होता है अपडेटिंग का, दोस्तों जो आप मोरफो डिवाइस यूज करते हो उसका एक ऐप आता है, ड्राइवर बोलते हैं जिसको, वो होता है मोरफो RD सर्विस, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा। यदि आप उसको अपडेट नहीं करते हो दोस्तों, वो एरर आने का कारण भी बन जाता है, प्लस आपकी जो मोरफो डिवाइस है वो बीच बीच में आपको परेशान करती होगी कि फिंगर नहीं मारना, फिंगर लेट मारना, आपने बटन को क्लिक कर दिया है और वहाँ पर लाइट लेट जल लिया। दोस्तों ये होता है सर्वर अपडेटिंग के कारण दोस्तों। यदि आपने मोरफो डिवाइस का मोरफो RD सर्विस ऐप जो है प्ले स्टोर में जाके उसको अपडेट कर लेना है। और दोस्तों इससे अगला आता है एरर, यदि आपका जो मोबाइल है वो अपडेट नहीं है, तो दोस्तों ये भी एक कारण हो जाता है जिससे मोबाइल की स्पीड जो स्लो हो जाती है और आपकी मोरफो डिवाइस वर्क नहीं करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कई कारण होते हैं जिससे कि आप मोरफो डिवाइस को यूज करने में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ये जो मैंने आपको एरर बताए हैं, सर्वर हुआ, पेमेंट हुआ, अपडेटिंग हुआ दोस्तों, तो इसमें आपको हर हाल में यही करना है कि जो आपका मोरफो RD सर्विस का ऐप है प्ले स्टोर में जाकर उसको डिलीट कर देना है और शुरू से उसको इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये समस्या समाप्त हो जाती है। और यदि आपको और भी कोई समस्या आती है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे देंगे, जिससे आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो दोस्तों, तो हम आपकी वहाँ से फुल सपोर्ट करेंगे आपको। और दोस्तों एक होता है, यदि आपकी जो डिवाइस है आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रही है और आपको करना क्या है दोस्तों, वो आपको अदर मोबाइल में एक बार उसको चेक करके ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी डिवाइस ख़राब है या वो आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों एक और समस्या आती है, मेरे कुछ रिटेलर भाई जो काफ़ी दिनों से उसको यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट भी बराबर कर रहे हैं, तो दोस्तों एक होता है उसका जो डाटा केबल होता है दोस्तों वो आपका ख़राब हो जाता है, या किसी कारण से उसकी जो पिन होती है वो बेकार हो जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके उसका डाटा केबल बुक कर सकते हैं और वहाँ से आप मंगा के उसको डायरेक्ट आप खोल सकते हैं आसानी से। मोरफो में जाने से कुछ नहीं होता, वो उसके अटैचमेंट होती है जो एक पिन की तरह होती हैं, आप उसको खोल सकते हो और आसानी से उसको लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये कई कारण होते हैं, आप डायरेक्ट भी मार्केट से उसको ले सकते हो, जो उसका डाटा केबल होती है आप USB में बना सकते हो या डायरेक्ट उसे पिन वाला भी बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।